मेरा नाम है दीपक कुमार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एजुकेशन पर। तो आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक है हमारा ब्लॉगिंग। तो आपने फिलहाल ही के दिनों में जो लोग यूट्यूब या इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उन्होंने सुना होगा कि कैसे ब्लॉगिंग से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, कैसे आप मनी मतलब पा सकते हैं ब्लॉगिंग के जरिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये ब्लॉगिंग होती क्या है और ये आप कैसे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, या आपको पैसा कमाना है उसके जरिए, तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग क्या होता है इससे जानने से पहले हमको ये पता करना होगा कि ब्लॉग क्या होता है। तो ब्लॉग एक तरीके की एक वेबसाइट होती है जिस पर कोई भी इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल अपने ब्लॉग को पोस्ट की तरह एक अपलोड कर सकता है, उसमें कंटेंट अपलोड कर सकता है जो उसकी इंटरेस्ट हो, जिस कंटेंट में वो उस कंटेंट को ब्लॉग के रूप में पोस्ट कर सकता है। और ये एक वेबसाइट की तरह काम करती है, आपको मैं बता दूं। तो ये जो कंटेंट पोस्ट करना होता है ये कोई फॉर्मल वे नहीं होता कि आपको सब कुछ ऐसे ही रखना है जैसे एक फॉर्मल वे में रिटर्न में किया जाता है। इसमें आप इनफॉर्मल वे में एक कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, ताकि जो ऑडियंस है आप जो नॉलेज उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आसानी से पहुंच सके और उनको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट हो इस नॉलेज का। तो फ्रेंड्स, अगर आज के टाइम में मैं आपको बताऊं तो ब्लॉग बहुत सारे कॉर्पोरेट ऐसे हैं हमारे, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो ब्लॉग को यूज़ करते हैं अपनी जो प्रोडक्शन है या फिर जो प्रोडक्ट है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए। तो जो ब्लॉग्स है उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है डेली हम देखें तो। और इसमें ये भी होता है कि जो हमारे जो कस्टमर्स हैं या फिर कह सकते हैं ऑडियंस हैं उन तक वो रेगुलरली अपडेट करते हैं अपने ब्लॉग्स को, या ब्लॉग्स के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो रेगुलर अपडेट किया जाता है ब्लॉगर्स द्वारा। तो जो वेबसाइट और ब्लॉग है ये दोनों अलग ही चीज़ें हैं, इनको एक ना समझें, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। तो अगर मैं एक डिफरेंस की बात करूं कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा जो ब्लॉग होता है वो एज अ पार्ट भी हो सकता है किसी वेबसाइट का या फिर कोई वेबसाइट भी हो सकती है। तो ब्लॉग की जो स्पेशलिटी है आप उसे कह सकते हैं फीचर, वो है कि ब्लॉग को रेगुलरली जो कंटेंट होता है वो अपडेट हुआ रहता है। तो जब भी आप ब्लॉग किसी का पढ़ेंगे तो उसमें जो कंटेंट डाला गया है रिसेंटली वो आपको दिखाई देगा, लेकिन जो प्रीवियस कंटेंट है वो आपको ब्लॉग में नीचे की साइड दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पर वेबसाइट की, तो वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट पे एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां हमारा कंटेंट होता है, सिर्फ उसमें ही आप चेंजेस कर सकते हैं, और जो बाकी का हेडिंग हो गया या जो भी उसका दिखने का तरीका है वो रेगुलरली अपडेट नहीं किया जाता वेबसाइट जिसने की है उसके द्वारा। तो वेबसाइट और ब्लॉग में यही एक डिफरेंस है कि जो ब्लॉग्स होते हैं वो रेगुलर अपडेट किया जाता है, वहीं पर वेबसाइट्स को नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कहीं ना कहीं ये है कि जो ब्लॉग्स हैं उनको हम वेबसाइट भी कह सकते हैं और वेबसाइट का पार्ट भी कह सकते हैं, लेकिन वहीं पर जो वेबसाइट है उसको हम हमेशा ब्लॉग नहीं कह सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर डिफरेंस है ब्लॉग और वेबसाइट के बीच में। तो अब दोस्तों बात आती है कि हम अपने ब्लॉग्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन से वो प्लेटफॉर्म है जिन पर जाकर हम अपने ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा जो ब्लॉग क्रिएट करने का तरीका जो बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेट यूज़ करते हैं आज के टाइम में, वो है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के बारे में आपको जहाँ तक पता होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके जरिए आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनके जरिए जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो काफ़ी यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट का। तो आप इसके जरिए भी ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, और आपको और दूसरी जगह से क्रिएट करना है तो आप bloggers.com पर भी जाकर ये काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज के टाइम में मैं बात करूं कि लोग ब्लॉग्स के जरिए बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर इसमें आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो अभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि कुछ फेमस ब्लॉग्स हैं जो आप मेरी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं फिलहाल, तो ये ब्लॉग्स हैं काफ़ी फेमस हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस का ट्रैफिक होता है। तो यही एक मेन रीज़न होता है कि जहाँ पर ऑडियंस का ट्रैफिक ज़्यादा होता है वही ब्लॉग अच्छे से काम करते हैं, उन्हीं पर जो हमारे एड्स दिखाए जाते हैं या जो भी स्पॉन्सरशिप जो मिलती है उनको, उन्हीं ब्लॉग्स को ज़्यादा मिलती है जिन पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।